अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 पर। घनसोली टीम का डगआउट देखिए, बिल्कुल पेड़ के नीचे बैठ के वहां पर पूरी टीम समर्थक आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्साह बढ़ाते हुए मोटिवेट करती हुई अपनी टीम जो बैटिंग कर रही है टीम कलिंगा टीम को। हार्ड लक टीम थाने स्ट्राइकर्स, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टूर्नामेंट। इस बार मिडऑन की तरफ शॉट को खेल दिया है और वहां पर खिलाड़ी मनोज गेंद को फील्ड करेंगे। अब स्ट्राइक पर आए बैट्समैन हितेश। सेमीफाइनल 2 चलता हुआ, जो जीतेगा फाइनल मैच खेलेगा ओडिशा स्ट्रॉम राइडर के साथ। ओ यहाँ पर स्टीयर करना चाह रहे थे बॉल को, बिल्कुल करीब आने दिया बैट से रन एक। टोटल स्कोर 10 पर। 4 गेंदों की समाप्ति के बाद पांचवी बॉल लेकर तैयार रंजीत पिल्लाई। सामने हितेश, एक बार फिर दूर से कट करने का प्रयास। नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज कप्तान बल्ली रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया हितेश ने, तो डॉट बॉल। डॉट बॉल आता हुआ इस बीच मिथुन 11 मापे, पहले राउंड में जिनको बाय मिला, सेकेंड राउंड में उन्होंने मैच क्वार्टर फाइनल जो मुकाबला था जीता उन्होंने, तो अस्था लेजेंड के खिलाफ मेरे ख्याल से। ओवर द विकेट रंजीत पिल्ला पुल कर दिया लेकिन डिक्लेयर जोन है वहां पर। 3 ओवर का ये मैच है, ओवर की समाप्ति 1 ओवर के खेल के बाद 11 रन स्कोर कार्ड आफ्टर 1 ओवर विदाउट लॉस। 1 ओवर के खेल के बाद कलिंगा लायंस घनसोली टीम का स्कोर है 11-11। पुराना बॉल दो यार। हाँ, एक ओवर के बाद स्कोर 11, बल्ली के पास स्ट्राइक, नया ओवर राजेंद्र। आते ही पहली बॉल, थोड़ा सा स्टेप आउट किया था, पुल करना चाह रहे थे लेकिन उसके बाद वेट उनका थोड़ा पीछे की तरफ गया, तब तक बॉल निकल चुका था। राजेंद्र पिछले मैच में जिन्होंने बल्ले से जोहर दिखाया था और मैन ऑफ द मैच दिया गया था सुशांत को, उन्होंने डेडिकेट किया राजेंद्र को, ये होती है दोस्ती यारी। ओवर द विकेट सामने की तरफ, इस बार लेग साइड पर बैट स्विंग किया है पीछे खिलाड़ी, दर्शनीय स्ट्रोक, 6 रन बल्ली एक बार फिर मचाते खल बली। ऐसा लग रहा है कि बल्ली के आगे अब किसी की नहीं चली। रन दबाव हल्का सा राजेंद्र के ऊपर जो कि दायर से ओवर द विकेट अगली बॉल लेकर इस बार गेंद को खेला है डीप फाइल लेग की तरफ जहां पे डिक्लेयर जोर है। 1 रन बैटिंग टीम के लिए आता हुआ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 18 पर। 3 ओवर में कम से कम 35-40 रन बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस वातावरण में इस वेदर में एक सफल स्कोर साबित हो सकता है अगर आपकी बॉलिंग अगर अच्छी लाइनअप की अगर बॉलिंग है आपकी। ओवर द विकेट नेक्स्ट बॉल स्टेप आउट किए थे और आउट, कमाल की स्टंपिंग वहां पर कैप्टन सुशांत द्वारा, आसान सा निर्णय यज्ञेश के लिए। बल्ली आउट होकर जाते हुए 18 के स्कोर पर पहला झटका लगता हुआ टीम कलिंगा लायंस घनसोली को।
राजेश लेफ्ट हैंडर नए बैट्समैन, और छोड़ते तो शायद ये वाइड होता, और ये बॉल गाइड किया उन्होंने डिक्लेयर जोन की तरफ। गेंदों की बात करें टोटल बॉल हुआ अब तक पांच बॉल, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19-19। आखिरी बॉल राजेंद्र के स्पेल की, हाफ ट्रैकर बॉल शॉट ऑन जैप, ओहो बाल बाल बचे तो चेहरे पे ये बॉल लगता था सीधा, तो नसीब हाथ चेहरे के आगे आ गया। एक रन ओवर समाप्त, दो ओवर का खेल पूरा, स्कोर है टोटल 20 रन आफ्टर टू ओवर, दो ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर संख्या है 20 पर। तो सुशांत आए जिन्होंने पिछले मैच में हैट्रिक पूर्ण की थी, ओहो मिस फील्डिंग, सेमीफाइनल का दबाव नजर आता हुआ। एक एक रन की कीमत आपको सेकेंड इनिंग में पता चलेगी जब आपकी टीम बैटिंग करेगी मापे, इस तरह के रन आप खर्च नहीं कर सकते। सिंगल के बल्ले डबल रन आए, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22-22। सुशांत बॉलिंग करने के लिए एक बार फिर तैयार होते हुए, सामने राजेश, लास्ट ओवर है इस इनिंग का। मिस टाइमिंग स्ट्रोक, स्टेप आउट होके कवर के ऊपर से इस बार खेलने का प्रयास, आउटसाइड एज लगा, बॉल गया थर्ड मैन के डिक्लेयर जोन की तरफ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23-23 पर जा पहुंचा है। एक बार फिर स्टेप आउट किया था थोड़ा सा, लेकिन बॉल टप्पा खाने के बाद डिक्लेयर जोन की तरफ जाती हुई, कैच का प्रयास किया वहां पर राजेंद्र ने, लेकिन दूर था उनसे बॉल काफी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24-24 टोटल स्कोर। तीन गेंदों का खेल हुआ है अब तक, तीन बॉल में मेरे ख्याल से चार रन आए, चौथा बॉल लेकर सुशांत एक बार फिर स्टेप आउट किया, बॉल टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलता हुआ, कमाल की बॉलिंग रही है सुशांत द्वारा। अगली बॉल ये हवा में है, सुशील साहू के लिए यह आसान सा मौका, आज के दिन का ये चौथा कैच इनका, जब जब कैचेस आ रहे सुशील की तरफ तब तक उन्होंने कैचेस लपके हैं। देखिए बेस्ट फील्डर का भी ट्रॉफी है, कृष्णा और सुशील साहू ये दो ऐसे फील्डर अब तक उस कंपटीशन के रेस में है नाम। कृष्णा जो फाइनल में उनकी टीम पहुंची है, मापे टीम अभी सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेगी, स्कोर 24-24 पर। लास्ट बॉल इस इनिंग का, फेस करने के लिए नए बैट्समैन अब आए, अरुण फुल टॉस बॉल, थोड़ा सा मिस टाइम हुआ, बॉल बिल्कुल बैट के ऊपरी हिस्से पर स्टिकर पे लगा, रन आउट का चांस, राजेंद्र कलेक्ट किया गेंद को उन्होंने और बैट्समैन को रन आउट किया, यानी लास्ट बॉल पर एक विकेट एक रन, एक तुम्हारी एक हमारी, टोटल स्कोर 25। फाइनल में जाना है तो मिथुन 11 मापे टीम को 3 ओवर में 26 रन बनाने हैं, 3 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 26 रन चाहिए मापे टीम को, फटाफट फील्डिंग लगाना है बल्ली, और सुशांत भाई आपको बैटिंग करना है तो फटाफट बैट्समैन भेजिए रेडी रखना, 3 ओवर में 26 का टारगेट। कॉम बॉक्स में हमारे साथ जुड़ेंगे एक बार फिर हमारे परम मित्र राहुल जी उपाध्याय, आइए उनका आवाज सुनते। धन्यवाद सचिन सर, चलिए इसके बाद एक फाइनल का मुकाबला है तो मैं अंपायर से निवेदन करूंगा कि थोड़ा स्पीड अप करिए, अंपायर तुषार मोहंती और यज्ञेश,
तो यहाँ पर 26 रनों का लक्ष्य रखा गया है मिथुन इलेवन महापौर टीम के समक्ष कलिंगा लायंस घनसोली टीम की तरफ से। उसमें अच्छी बल्लेबाजी की गई थी बल्ली द्वारा और उनकी टीम द्वारा और 26 रन मुकम्मल किए गए। अब 27 रन का लक्ष्य रखा गया है और बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर होंगे सुशील और नास्ट्राइक पे होंगे सुशांत। सत्ताईस रनों का लक्ष्य और गेंदबाजी के लिए पहले गेंदबाज और पहली ओवर लेकर शोएब आए गेंदबाजी के लिए पावर प्ले का पहला ओवर। 27 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है टीम। सुशांत ने सुशील स्ट्राइक ओवर पावर प्ले का पहला ओवर और 27 रनों का लक्ष्य पावर प्ले का पहला ओवर और ज्यादा से ज्यादा रन मुकम्मल करने की कोशिश होगी टीम मिथुन इलेवन महापे की। पहले ओवर में ये ले चले शोएब ओवर द विकेट पहली गेंद सुशील के लिए। सुशील ने हल्के हाथों से खेल दिया है गेंद को, गेंद गई वहां पर सेकंड स्लिप के पास। इसी के साथ रनों का श्री गणेश रनों का आरंभ हुआ है टीम मिथुन इलेवन महापे के लिए। अभी भी 17 गेंदों में 26 रनों की दरकार है। 9 एक्स्ट्रा रन टीम मिथुन इलेवन को बनाने हैं। इस दफा एक एक्स्ट्रा रन वाइट से आता हुआ तुषार मोहंती अंपायर का इशारा। गेंद वाइड, एक एक्स्ट्रा गेंद, एक्स्ट्रा रन, रन संख्या जा पहुंची। एक गेंद की समाप्ति के बाद 2 रन। दूसरी गेंद इस बार मॉन्स्टर स्ट्रोक इस गेंद को पहुंचाया द लॉन्गेस्ट सिक्स ऑफ द नाइट यहां पर इस गेंद को पहुंचाया 6 रनों के लिए। गेंद गई 6 रनों के लिए डीप मिड विकेट की तरफ और यहां पर एक 2 गेंदों की समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची 8 रनों के घर। तो अब सुशील जल्द से जल्द इस मुकाबले को खत्म करना चाहते हैं, जानते हैं कि इसके बाद एक फाइनल का मुकाबला है और समय काफी कम है, इसलिए जल्द खत्म करने की कोशिश। एक बार फिर से इस दफा बैक टू बैक पंच किया है गेंद एक्स्ट्रा कवर की तरफ 1 बाउंस 2 बाउंस ओवर द लाइन 4 रनों के लिए। तुरंत संख्या जा पहुंची है 12 रनों के घर और इसी के साथ अब उन्होंने ये बताया है, ये दर्शाया है कि अब गेंदबाजी में उनका काम उनके गेंदबाजों ने पूरा किया है और बल्लेबाजी में वो ये काम पूरा करेंगे अपनी टीम के लिए। 2 गेंदे 12 रन, 3 गेंदे 12 रन। थोड़ी सी फील्डिंग में बदलाव चाहते हैं कप्तान, इसीलिए गेंदबाज को रोका और गेंदबाज एक बार फिर से अपने बॉलिंग लाइन लाने पे जाएंगे वापस तैयार गेंदबाजी के लिए। एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और एक खिलाड़ी काउ करने की दिशा में, 2 खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है यहाँ पर। ओहो यहाँ पर एक मौका था, एक चांस था, एक कैच था, उस कैच को पकड़ा जाना चाहिए था। हाफ चांसेस लेने होंगे आपको क्योंकि आपके पास रनों का अंबार नहीं है, रन काफी कम है आपके पास, ये हाफ चांसेस आपको पकड़ने होंगे। यहाँ पर इस मौके को गवाया और सुशील एक बार फिर अपने घर में सुरक्षित। इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया, एक दूसरा कैच छूटता हुआ गेंदबाज शोएब अपने ही फॉलो थ्रू में करते हुए ये गफलत, ये मिस्टेक। एक आसान सा कैच होना चाहिए था, 2 गेंदों पर 2 कैचेस होने चाहिए थे, 2 विकेट जाने चाहिए थे, लेकिन अब तक इस ओवर में एक भी विकेट नहीं गिरा है। रन संख्या जा पहुंची है 14 रनों पर। इस बार एक बार फिर से गेंद खेल दिया, एक बार फिर से गेंद जा रही है वहां पर, एक बार एक और शॉट, एक और बाउंड्री लाइन की तरफ। एक बार इस दफा सुशांत के बल्ले से आएगा ये स्ट्रोक। रन संख्या जा पहुंची 17 रनों के घर। अब जीत के लिए 9 रनों की दरकार। 26 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम मिथुन इलेवन मापे की और पहले ही ओवर में सुशील और सुशांत दोनों ने आक्रामक शुरुआत दी है। इस पावर प्ले का पूरा पूरा फायदा उठाया है और रन बनाए हैं कुल 17 और अब जीत के लिए 9 रन 12 गेंदे 9 रन। गेंदबाज राजेश आए गेंदबाजी के लिए
और सुशील इस मुकाबले को जल्द से जल्द खत्म करने की चाहत में बल्ली थोड़ा सा अब अपने फील्डर्स को चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा सा फेर बदल करना चाहते हैं। जानते हैं अभी भी 9 रनों की दरकार है, आने वाली 12 गेंदों में विकेट चटकाने होंगे, डॉट बॉल फेंकने होंगे। इस बार पुल कर दिया लेकिन इस बार गेंद जाएगी वहां पर घोषित क्षेत्र में, केवल एक रन का इजाफा होगा। रन संख्या अब 18 रनों के घर, अभी भी जीत के लिए 8 रनों की दरकार, आने वाली 11 गेंदों में 8 रन। राजेश को यहाँ पर कुछ डॉट गेंदें फेंकनी होगी, कुछ विकेट चटकाने होंगे अगर इस मैच में वापस लाना चाहते हैं अपनी टीम को, कमबैक करवाना चाहते हैं टीम कलिंग अलायंस की टीम को। इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है पॉइंट की दिशा में, ओहो एक बार फिर से यहाँ पर गफलत हुई पॉइंट के खिलाड़ी द्वारा। एक इस बार 2 रन भाग कर मुकम्मल किए जाएंगे। काफी सूझबूझ का क्रिकेट दिखाते हुए यहाँ पर सुशील, जानते हैं कि अब 10 गेंदों में केवल 6 रनों की दरकार है, तो अब रिस्क नहीं लेना चाहते, इक्का दुक्का रन से बात बन सकती है, ये जानते हैं और कुछ उसी प्रकार का खेल दिखाते हुए सेंसिबल क्रिकेट फ्रॉम सुशील एक बार फिर से स्टे कर दिया है। इस बार थर्ड मैन की दिशा में, हाँ इस बार गेंद खेल दिया है थर्ड स्लिप की तरफ, वहां पर एक रन का इजाफा होगा। पांच रन की दरकार, इस बार गेंद खेल दिया, गेंद जा रही है गोल, और इसी के साथ ये मुकाबला टीम मिथुन 11 महापे टीम ने जीत लिया है। इसी के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा स्टॉर्म राइडर कल्याण की टीम को कि आए टॉस का बाउंस मंच पर, और सुशील